तो मेरे भाइयों, लेकर आ गया हूँ आपके लिए PUBG मोबाइल की एक बैड न्यूज़। और कब तक ये लॉन्च होगी, लॉन्च डेट भी आपको इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम PUBG मोबाइल की। दोस्तों, अब यार PUBG मोबाइल इंडिया जो लॉन्च होने वाली थी, सुनने में आ रहा है कि अब वो शायद बैन हो जाए। अब हुआ क्या कि अरुणाचल प्रदेश के जो MLA हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, इन्होंने मोदी जी को ट्वीट करके लिखा है कि इस गेम को लॉन्च ना करें, ये PUBG मोबाइल ही है, बस इसका टाइटल सॉरी नाम चेंज करके इसको वापस इंडिया में ही लाया जा रहा है। और इस गेम का जो कनेक्शन है वो अभी भी टेंसेंट वालों के साथ है, यानी कि इस गेम के जितने भी शेयर्स होंगे वो उन शेयर में से 15% जो है वो टेंसेंट को जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी यार एक बात पे अगर हम नज़र डालें तो फ्री फायर हो गई, COD हो गई। फ्री फायर का शायद 25.6% शेयर अभी भी टेंसेंट वालों को जाता है और COD का जाता है 15%। आप तो जानते ही हैं कि PUBG मोबाइल का यार ट्रेलर भी आ गया था, प्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई थी। लेकिन यार दोस्तों, वो बोलते हैं ना कि जब कोई अच्छा काम चल रहा हो तो बीच में कभी ना कभी कोई ना कोई अड़चन तो ज़रूर ही पड़ जाती है। तो दोस्तों यार, अब क्या कहें कि PUBG मोबाइल अब बैन। अब आप तो जानते ही हो यार, पारस ऑफिशियल भाई ने जो गुस्से में वो वीडियो बनाई थी, तो अब तो यार थोड़े से चांसेस बन जाते हैं कि PUBG मोबाइल पर शायद कोई एक्शन ले या ना ले, मैं नहीं जानता। लेकिन यार दोस्तों, PUBG मोबाइल जो इंडिया है, मुझे नहीं लगता कि मतलब इसकी कंपनी, पहले तो चलो हम जो गेम खेलते थे उसमें तो टेंसेंट वालों का हाथ था, यानी कि हमारे जितने भी डेटा वगैरह होते थे और हमारा जो सर्वर था वो भी टेंसेंट वालों के साथ था। लेकिन जो PUBG मोबाइल इंडिया है, ये तो हमारा मतलब इसमें हमारा जितना भी डेटा है वो तो हमारे इंडिया में ही रहेगा। वैसे रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर कहूँ तो गेम तो चलो ये सेफ ही होगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर हमारा जो सर्वर है वैसे सुनने में आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले के पास ही रहेगा। देखना यह है कि जो हमारे MLA साहब ने PM को लेटर लिखा है, अब भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि वह हमारे PM जो है वो इग्नोर कर दे इसे। तो हो सकता है इस लेटर को वो तो शायद पढ़ने के बाद शायद क्राफ्टन वालों को भी बुलाए। अब बस यही देखना बाकी है। तो चलिए देखते हैं अब आने वाले टाइम पे क्या होता है। लेकिन दोस्तों, अपना ओपिनियन मैं दूँ तो यार मतलब बैटल ग्राउंड इंडिया मेरे ख्याल से सेफ ही है, तो इसे मतलब बैन तो नहीं करना चाहिए। अगर यार बैन हो तो फिर भाई COD और बाकी जितनी भी गेम्स वगैरह है जिनके टेंसेंट के साथ कनेक्शन है, फिर तो भाई वो भी बैन होने हो जाने चाहिए। बट यार ये बात इन पॉलिटिशियंस को कौन बताए। हो सकता है दोस्तों PUBG मोबाइल लवर्स के लिए फिर से एक बार धोखा हो सकता है। मतलब यार इतने महीनों से हम वेटिंग पर हैं, ठीक है, तब भी यार मतलब गेम नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये थी अब बैड न्यूज़। तो अब बात करते हैं भाई ये रिलीज़ कब होगी, ठीक है। तो दोस्तों, कई लोग तो बोल रहे थे कि 18 मई को ये गेम आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये गेम जो है वो प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिला। इससे पहले भी बहुत सारे लोग कहते थे कि इस तारीख को मिल जाएगा, इस तारीख को मिल जाएगा, और अब तो कह रहे हैं कि यार कोई कह रहा है 10 जून को मिलेगा, तो कोई कह रहा है नहीं 15 जून को, कोई कह रहा है नहीं 12 जून। दोस्तों मेरी जो बात है ना, वो क्राफ्टन कंपनी के साथ हो चुकी है और उन्होंने मुझे एग्जैक्ट डेट को बता दिया है ये कि हम ये कब लॉन्च करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना, ये गेम जो है वो प्ले स्टोर पर तब आएगी जिस डेट को ये लॉन्च हो जाएगी। हाँ भाई, सुनने में अगर आपको मेरा मजाक अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना कि मजाक कैसा लगा। तो दोस्तों यार बस यही कहता हूँ कि ये जो बेफालतू के जो रूमर्स हैं इन पे प्लीज़ मत जाओ। इस डेट को लॉन्च होने वाली है, उस डेट को लॉन्च होने वाली है, भाई इस बात में मत जाओ। बैटल ग्राउंड्स इंडिया जो है वो 3rd week of June तक आ सकती है, ऐसा लोग भी बोल रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैं देख रहा हूँ। अगर आप अभी तक VPN से गेम खेल रहे हो तो भाई आराम से खेलो, कोई टेंशन नहीं, जब सर्वर बंद हो जाएगा अब यार तब देखा जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर PUBG से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी अपलोड करता रहता हूं। और दोस्तों यार, अगर आपको मेरा ये गेम प्ले पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।